मोदी सरकार ने 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में गरीबों के घर में पहुंचाकर उनके घर का चूल्हा जलते रखने का काम किया है। सारे लोगों को मुफ्त में कोरोना की रसी दिलाकर उनको सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, आज वन अधिकार पट्टों का वितरण भी हुआ है, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना भी शुरू हो चुकी है, आहार अनुदान योजना भी शिवराज जी ने लागू कर दिए है। हर घर के मुखिया के खाते में 1000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट से पहुंचता है और ढेर सारे वनों के रहने वाले मेरे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कार्यक्रम आज शुरू किया है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में और ऊपर मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण आज बहुत बड़ा प्रतिशत, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 21-22 में 19.7%, 19.7% विकास दर हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। और पूंजीगत व्यय 31,000 करोड़ जो था इसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ तक करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ये 10 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 200% की, शायद ही कोई राज्य ने करा होगा, 200% की वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। और भारत सरकार ने भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। भारत सरकार ने आदिवासियों के वार्षिक बजट में जो कांग्रेस सरकार के समय 4,295 करोड़ था उसमें 4,200 करोड़ से बचाकर 7,524 करोड़ करने का काम किया है। और केंद्रीय मंत्रालय में आदिवासियों की योजना के लिए कांग्रेस सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी, मोदी जी आज 21,000 करोड़ को बढ़ाकर 78,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम किए हैं। लगभग 1,418 करोड़ एकलव्य स्कूलों के लिए खर्चा है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देश भर में 51,000 करोड़ आदिवासी कल्याण के लिए भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। मैं शिवराज जी और इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। जितने भी कार्यक्रम आदिवासी कल्याण के हमने घोषित किए हैं, ये 17 के 17 बिंदु हम समाप्त करके ही आपके आशीर्वाद के लिए वापिस आएंगे। इतना विश्वास दिलाकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और फिर से एक बार भारत माता की जय का जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक मिनट में भाई साहब, एक अमित भाई से चर्चा हुई थी, मैं भूल गया था, तेंदू पत्ता तुड़वाई के अभी 250 रुपया प्रति 100 गड्डी दिए जाते थे, अब वो बढ़ा के 300 रुपया प्रति 100 गड्डी किए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृहमंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय गृहमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस आयोजन में पधारने पर माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उसके बाद
माननीय श्री बीटी शर्मा जी को, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को, माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को और माननीय श्री एल मुरुगन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें और साथ साथ विनम्र आग्रह प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ श्री पुष्कर सिंह जी से कि आपनों इधर धन्यवाद ज्ञापन होगा, उधर माननीय गृहमंत्री जी यहां वन विभाग के उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्थान करेंगे। श्री पुष्कर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में पधारे भारत सरकार के गृह एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय आपके इस कार्यक्रम में उपस्थिति से हम बहुत अभिभूत हैं। हमारा समितियों का निश्चित ही इससे मनोबल बहुत बढ़ेगा और हमें आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। हम आभारी हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी के, जिनके सतत मार्गदर्शन में हम नए नए विकास के कार्य करते जा रहे हैं। हमारी समितियों का हमें सक्रिय योगदान प्राप्त होता जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री सर्वश्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, स्वागत करते हैं। माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल साहब, माननीय श्री एल मुरुगन साहब, हम सर आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर आपने हमारी समितियों को आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन दिया। हम आभारी हैं हमारे सांसद महोदय श्री बीडी शर्मा साहब का, सभी मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों का हम बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। भारत माता की जय, बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आप वन विभाग के उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने और समिति के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ प्रस्थान करेंगे। आप सभी जिस साधन से आए हैं उसी साधन से सुरक्षित तरीके से आप वापस जाइएगा। वापसी पर जाने के लिए आपको शुभकामनाएं। पधारने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। साउंड सिस्टम बंद कर दीजिए प्लीज।